हेलो दोस्तों, लुसेंट जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दोस्तों आपका वेलकम है। तो दोस्तों अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सातवां स्थान है दोस्तों भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का स्थलीय सीमा कितनी है? तो ये दोस्तों 15,200 किलोमीटर है दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो ये है 2,933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक विस्तार भारत का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो ये अपनाया था दोस्तों 22 जुलाई 1947 को अपनाया था दोस्तों तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो ये घोषित किया था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था दोस्तों। जनगण मन अधिनायक जो राष्ट्रगान है हमारा, उसको संविधान सभा ने घोषित किया था राष्ट्रगान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो पटना बिहार के अंदर स्थित है दोस्तों खुदा बख्श पुस्तकालय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में हुआ था दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो ये बनाया गया दोस्तों जो 86वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा बनाया गया दोस्तों शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया? तो संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो इस रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे कर्क रेखा कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा रेखा का नाम से पुकारी जाती है? तो इसे रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। भारत और पाक के बीच में जो रेखा है उसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, और भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। तो ये दोनों जो सीमा रेखा है इनके नाम आपको याद होने चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है दोस्तों एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय राज्य की दो राजधानियां हैं? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो राजधानियां हैं दोस्तों, एक तो दोस्तों श्रीनगर और है एक है जम्मू, ये है दो राजधानियां दोस्तों इस राज्य की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो दोस्तों अलास्का जो राज्य है दोस्तों वो खरीदा था अमेरिका ने रूस से 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये टेनिस गेम से संबंधित दोस्तों होपमैन कब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों चंद्रशेखर राव है पहले मुख्यमंत्री तेलंगाना राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी है भारत और श्रीलंका कंट्री के बीच में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका नाम दोस्तों गुरु शिखर है दोस्तों सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अरावली
पर्वतमाला की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो दोस्तों कनाडा जो देश है उसकी जो समुद्री सीमा है वो सबसे बड़ी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन जो देश है उसकी जो स्थल सीमा है वो सबसे बड़ी है। दोस्तों अगर दोस्तों लुसेंट जीके का ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास में आपको बेल आइकन का एक बटन मिलेगा दोस्तों, उसे भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। पर हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो दोस्तों।